हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के जो नई वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग, जो कि देख सकते हैं कितना कम माल का है फोटो लग रहा है। और आप लोगों को ऐसे फेस को गोरा कैसे किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस स्मूथ कितना तगड़ा सा हुआ है, और इसमें फोटो का जो कि क्वालिटी थोड़ा सा भी लॉस नहीं है, और फोटो फुल HD में एडिटिंग हुआ है। तो मेरे भाई, आज के जो नई वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ कि अपने फोटो को पूरा फुल HD में एडिटिंग कैसे किया जाता है। और फ्रेंड्स, खास बात है कि इसमें जो इतना मतलब कम माल का जो PNG वगैरह है, इसको मैं कैसे एडजस्ट किया हूँ, कहाँ से डाउनलोड वगैरह किया हूँ, तो सब कुछ आज के वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। तो यार मेरे भाई, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मेरे भाई, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, ये जो सबसे तगड़ा एक प्रीसेट है, ठीक है ना मेरे भाई, मैं हर एक फोटो इसी प्रीसेट से एडिटिंग करता हूँ। तो इस प्रीसेट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे पहले मेरे भाई, इस प्रीसेट जो है इसको शेयर कर लेना अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। और देन आप लोग का प्रीसेट शेयर हो जाने के बाद आप लोग का अपने जो रियली फोटो होगा उसको शेयर कर लेना अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, उसको भी शेयर कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको भी शेयर कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं फेस में स्माइल वगैरह में सब कुछ ऐड करना बताने वाला हूँ मेरे भाई। सब कुछ ऐड करके इस टाइप से एडिटिंग करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। तो इसको शेयर कर लेने के बाद से यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, तो देन इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा फोटो आ चुका है। तो मेरे भाई, अपना जो प्रीसेट होगा उस पर क्लिक कर देना है, और देन क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो साइड में 3-डॉट विंडो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपने इस प्रीसेट का जो सेटिंग है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, तो मेरे भाई इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। इसको कॉपी कर देने के बाद अपने जो रियली फोटो है उसमें जाके इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट सेटिंग करने के बाद यहाँ पे देख ही सकते हैं एक क्लिक में कुछ इस टाइप से आप लोगों का फोटो एडिटिंग हो जाएगा। और देन एडिटिंग होने के बाद आप लोगों को कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना और मिक्स पे क्लिक कर देना। और इसका जो यहाँ पे जो कपड़े पे कलर है इसको हटाने के लिए आप लोगों को सिंपली से जो ब्लू कलर है इसको सिलेक्ट करके इसका सिचुएशन को पूरा डाउन कर देना है। और डाउन करते ही आप लोगों का जो मतलब शर्ट यानी कपड़ा है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। और देन ब्लैक हो जाने के बाद ऑरेंज टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, इसका सिचुएशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, ठीक है मेरे भाई, लगभग 13%। इतना ही कुछ करना है, और देन एक ही ऐप में आप लोगों को कुछ इस टाइप से एडिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और इस ऐप में सिर्फ इतना ही करना है, उसके बाद इस फोटो को शेयर कर देना है अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो इसको शेयर कर लेना है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोटो को स्मूथ कैसे करेंगे ताकि आप लोगों का फोटो इतना HD में एडिटिंग होगा और फेस पूरा अच्छे तरीके से कैसे वाइट होगा, पूरा अच्छे तरीके से गोरा कैसे होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली से लाइब्रेरी में चले जाना है ब्रश वाला ऑप्शंस में, और लाइब्रेरी में चले जाना है। और इसमें से आप लोगों को जो मैं ब्रश सेलेक्ट करने के लिए बोलूँगा वही उसी ब्रश को सिलेक्ट करना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो ब्रश है इसको सिलेक्ट कर लेना, और इसका सेटिंग्स भी आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लगभग 4 या 5 रख लेना, इसको 11 या फिर 12 रख देना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको 11 या 12 या फिर 10 भी रख सकते हैं, जितना आप लोगों का मर्जी रख, मतलब मर्जी नहीं फ्रेंड्स, इतना ही रखना है 10 या फिर 12, ठीक है। उसके बाद से जो इसको स्मच कर देना सेटिंग, यानी सेम यही सेटिंग रखना है। और देन सेटिंग रख लेने के बाद से यही सब ब्रशेज को चलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो कितना गजब का स्मूथ हो रहा है मेरे भाई। तो इधर ऐसे ही सेम सेटिंग रखेंगे तभी आप लोगों का फोटो जो कि HD में इस टाइप से स्मूथ होगा, और आप लोग का फोटो जो कि एकदम अच्छे क्वालिटी में सेव होगा, ठीक है मेरे भाई, यानी कि एडिटिंग होगा। तो मेरे भाई, अपने जो प्रीसेट होगा उस पर क्लिक कर देना है, और देन क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो साइड में 3-डॉट विंडो दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपने इस प्रीसेट का जो सेटिंग है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, तो मेरे भाई इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। इसको कॉपी कर देने के बाद अपने जो रियली फोटो है उसमें जाके इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट सेटिंग करने के बाद यहाँ पे देख ही सकते हैं एक क्लिक में कुछ इस टाइप से आप लोगों का फोटो एडिटिंग हो जाएगा। और देन एडिटिंग होने के बाद आप लोगों को कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना और मिक्स पे क्लिक कर देना। और इसका जो यहाँ पे जो कपड़े पे कलर है इसको हटाने के लिए आप लोगों को सिंपली से जो ब्लू कलर है उस पर सिलेक्ट करके इसका सिचुएशन को पूरा डाउन कर देना है। और डाउन करते ही आप लोगों का जो मतलब शर्ट यानी कपड़ा है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। और देन ब्लैक हो जाने के बाद ऑरेंज टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, इसका सिचुएशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, ठीक है मेरे भाई, लगभग 13%। इतना ही कुछ करना है, और देन एक ही ऐप में आप लोगों को कुछ इस टाइप से एडिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और इस ऐप में सिर्फ इतना ही करना है, उसके बाद इस फोटो को शेयर कर देना है अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो इसको शेयर कर लेना है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोटो को स्मूथ कैसे करेंगे ताकि आप लोगों का फोटो इतना HD में एडिटिंग होगा और फेस पूरा
अच्छे तरीके से कैसे वाइट होगा, पूरा अच्छे तरीके से गोरा कैसे होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली से लाइब्रेरी में चले जाना है ब्रश वाला ऑप्शन में, और लाइब्रेरी में चले जाना है और इसमें से आप लोगों को जो मैं ब्रश सेलेक्ट करने के लिए बोलूँगा वही उसी ब्रश को सिलेक्ट करना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो ब्रश है इसको सिलेक्ट कर लेना, और इसका सेटिंग भी आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लगभग 4 या 5 रख लेना, इसको 11 या फिर 12 रख देना है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको 11 या 12 या फिर 10 भी रख सकते हैं, जितना आप लोगों का मर्जी रख, मतलब मर्जी नहीं फ्रेंड्स, इतना ही रखना है 10 या फिर 12, ठीक है। उसके बाद से जो इसको स्मच कर देना, सेटिंग यानी इसी सेम यही सेटिंग रखना है, और देन सेटिंग रखने के बाद से ये सब ब्रशेज को चलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो कितना गजब का स्मूथ हो रहा है मेरे भाई। तो इधर ऐसे ही सेम सेटिंग रखेंगे तभी आप लोगों का फोटो जो कि HD में इस टाइप से स्मूथ होगा, और आप लोगों का फोटो जो कि एकदम अच्छे क्वालिटी में सेव होगा, ठीक है मेरे भाई, यानी कि एडिटिंग होगा। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके से अपने फोटो को एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा सा टाइम देके फोटो को स्मूथ करना है मेरे भाई, क्योंकि टाइम देंगे तभी आप लोगों का फोटो बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो पाएगा, और फोटो जो कि अच्छे से स्मूथ होगा तभी आप लोग कहीं पे भी अपलोड करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक फॉलोअर्स गेन होगा। तो मेरे भाई आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एडिटिंग करना है, तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग एडिटिंग थोड़ा अच्छे से समझ पाए, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसी को बताने लगेंगे तो वीडियो 10-15 मिनट इसी में लग जाएगा, ठीक है। अगर स्मूथ का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशली मैं एक अलग से स्मूथ का वीडियो बनाऊंगा, और हो सके तो शायद नेक्स्ट वीडियो स्मूथ का बनाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई आप सब स्मूथ नहीं कर पा रहे हैं, फोटो एडिटिंग बहुत अच्छी यानी बेहतरीन तरीके से कर ले रहे हैं, आप लोगों को इतना सिखाई दिया हम उसके बाद स्मूथ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लोगों को कमेंट हुआ यार भाई स्मूथ का वीडियो लाओ, तो स्पेशली से एक स्मूथ का वीडियो आएगा। तो मेरे भाई यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा फ्रेंड्स स्मूथ का, ठीक है। फोटो जो कि स्मूथ हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, तो स्मूथ हो जाने बाद से इसको शेयर कर लेना अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, तो देन इतना ही करना है इस मतलब ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में, और इतना हो जाने बाद इसको शेयर कर लेना अपने जो कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। और फ्रेंड्स पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आप लोग को बताऊँगा कि बैकग्राउंड को येलो टोन में एडिटिंग कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर हो जाने बाद आप लोग को ये जो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अगर क्लिक करने के बाद से यहाँ कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और कलर से इस पर क्लिक करके इसको बैकग्राउंड में ले जाकर इसे छोड़ देना है, और इतना देने बस यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को इसको यानी लेफ्ट राइट करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आप लोगों को जो भी कलर अच्छा लगे उसको यहाँ पर रख देना है, ठीक है, और इसको डन कर देना है। और इतना देने बस ये रिटचिंग वाला ऑप्शन से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर स्लाइड करना है, और ये जो हेयर कलर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग रेड कलर को फिल कर देना है, ठीक है, यानी रेड कलर को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद यहाँ से जो ए वाला एरो का निशान दिख रहा है आप लोगों को, तो इससे बैक आ जाना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो हेयर पे अप्लाई हुआ रहेगा वो हट जाएगा, और मैनुअली तरीके से यहाँ पे अपने जो लिप्स पे नीचे वाले लिप्स पे कलर करके इसको लिप्स को रेड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ब्रश चला लेना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से लिप्स रेड हो चुका है, और इतना इसको डन कर देना है। तो इस एप्लीकेशन में तो मेरे भाई उसके बाद से आप लोगों को फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और देन ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो में ब्लरी बैकग्राउंड को ब्लर करना है, और ब्लर करने के बाद से इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, इसको जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड कर देना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिर्फ बैकग्राउंड पे फोकस कर लेगा और बैकग्राउंड ब्लर कर लेगा, और जो आप लोगों का बॉडी यानी पार्ट है आप लोगों का
वो उसको ब्लर नहीं करेगा, सिर्फ बैकग्राउंड को ही ब्लर करेगा। तो और इरेज वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी के साइड से यहाँ पे इरेज कर लेना है ताकि रियलिस्टिक में लगे हाँ सच में यार ब्लरिंग हुआ है। नहीं तो आप लोग के कपड़े वगैरह यहाँ पे जो कि आया रहेगा तो इससे बेकार हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग यही सोचते हैं कि यार मैं कहाँ से इतना अच्छे तरीके से जो कि ब्लर अपने फ़ोटो में ब्लर ऐड करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कोई अदर ऐप का यूज नहीं करता हूँ, जो है वो फ्रेंड्स पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से मैं यहाँ पे अपने फ़ोटो को ब्लरिंग करता हूँ। और जैसे मैं ब्लर करता हूँ वैसे सेम आप लोग को भी बता रहा हूँ एंड देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स आप लोग। तो इसी तरीके से मैं अपने फ़ोटो को ब्लर करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं वीडियो को कहीं पे भी स्किप वगैरह नहीं किया हूँ, आप लोगों के सामने मैं कुछ जैसे आप लोगों को दिखाया था वैसे सेम एडिटिंग करके वीडियो को एंड करूँगा। और ब्लर एड करने के बाद से इसको डन कर देना है, और देन आप लोगों को कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस फोटो में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद से टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और एडजस्ट पे क्लिक कर देना है, और इसका सिचुएशन जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, और इसको डन कर देना है। और इस फोटो को यहाँ से ड्रॉ टूल के मदद से इस फोटो को सेव कर लेना है, और इस फोटो को फिर से आप लोगों को शेयर कर देना है एक बार लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है मेरे भाई। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ सेम वैसे ही करना है आप लोगों को, यहाँ से इसको शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन में और इसको ओपन कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद से आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट में लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसका जो ब्लैक है उसको थोड़ा सा इस साइड में आप लोग को बढ़ा लेना है, सबसे पहले इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है। उसके बाद से जो वाइटनेस है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और जो शैडोज है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, और जो भी हाईलाइट है इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है। और देन इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जो यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और मिक्स पे क्लिक कर देना है, और फर्स्ट में डेट सेलेक्ट करके इसका सिचुएशन बढ़ा लेना है, और जो कि ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद से आप लोग को येलो टोन को सिलेक्ट करना है, इसका सिचुएशन जो कि कम कर देना है, और यहाँ पे ह्यू है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। और ग्रीन टोन को सिलेक्ट करना है, इसका सिचुएशन जो कि पूरा फुल कर देना है, और यहाँ पे इसका जो ह्यू है उसको लगभग 10% तक इसको माइनस कर देना है, और ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है। और गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जो ऑरेंज टोन है उसको सिलेक्ट करना है, इसका सिचुएशन थोड़ा सा कम कर देना है, और ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है, और आप लोगों को कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको डन कर देना है। उसके बाद से जो टिंट लिखा है इसको लगभग 4% तक इंक्रीज कर यानी माइनस में कर लेना है, और जो टिंट लिखा है इसको भी आप लोगों को 6% तक माइनस में कर लेना है। उसके बाद से जो वाइब्रेंस है उसको आप लोगों को प्लस में इस टाइप से रख लेना है लगभग 13% तक, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद सिचुएशन को आप लोगों को लगभग 4% तक प्लस में कर लेना है, और देन इतना हो जाने के बाद से आप लोग अपने फोटो को देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो मेरे भाई आप लोगों को मैं जैसा एडिटिंग करता हूँ ना सेम एडिटिंग करके बताता हूँ, और सेम एडिटिंग सिखाता भी हूँ, ठीक है मेरे भाई। और इतना होने के बाद से आप लोगों को ये जो इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, टेक्सचर को आप लोगों को डाउन कर लेना है, और क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और उसके बाद से ये जो नीचे वाला ऑप्शन उसको आप लोगों को 10% तक आप लोगों को प्लस में कर लेना है, और बिगनेट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई इतना हो जाने के बाद आप लोगों को डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, शार्पनेस को बढ़ा लेना है, और यहाँ पे नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कलर्स नॉइस रिडक्शन को भी इसको भी बढ़ा लेना है, और जो यह ऑप्टिसिटी दिख रहा है इसको आप लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन को ऑन कर देना है, ठीक है। और इतना ही करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का फोटो बिल्कुल HD में यहाँ पे एडिटिंग हो चुका है। और देन इतना हो जाने के बाद इसको शेयर कर लेना है एक बार फिर से अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई इतना तो प्रोसेस जान गए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार वीडियो बनाना बताना बहुत ही टाइम लगता है फ्रेंड्स, आप लोगों को सिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसके लिए फ्रेंड्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोगों को टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, और जो यहाँ पे स्टेट जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला ऑप्शन इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और अपने हेयर को थोड़ा सा मॉडलिंग करना है, और फर्स्ट में आप लोगों को इसका जो साइज है पूरा 100 कर लेना है, और देन इसको आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। मेरा कोई खास हेयर नहीं है फ्रेंड्स, मगर फिर भी मैं इसी मतलब ऐसे ही करके अपने हेयर को मतलब इतना अच्छे तरीके से मॉडलिंग कर देता हूँ ताकि लगता है हाँ यार कितना हार्ड मतलब मैं हेयर कटिंग यानी हेयर रखा हूँ। उसके बाद से फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे ऐड टू फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने वाले फ्रेंड्स आप लोगों को जो ए वाला PNG है इसको अपने फ़ोटो में ऐड कर देना है। और फ्रेंड्स इस PNG का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेरे भाई आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐसे ऐड कर लेने के बाद अपने पूरे फ़ोटो में स्क्रीन में ऐसे जूम कर लेना, और इसका ब्लेंडिंग मोड फ्रेंड्स स्क्रीन रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से अपने फ़ोटो में बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
और इतना ज़्यादा वैसे फ्रेंड्स आप लोग इसका एक डुप्लीकेट लेयर और बना लेना है, और एक जो यहाँ पे इमोजी है इसको यहाँ पे बैठा देना है थोड़ा सा छोटा करके, और इसको इरेजर वाला ऑप्शन पे चले जाना, इन्वर्ट कर लेना है इसको यहाँ से, इस ये जो छोटा वाला पेंज इसको अप्लाई कर लेना है और इसको डन कर देना है। तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा वैसे आप लोग को फिर से ए टू फोटो पर क्लिक कर देना है, और फिर से ए वाला जो एक और पेंज है लोटस यानी रोज़ यानी गुलाब का फूल है फ्रेंड्स, इसको भी ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेना है और इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने अपने आपके जो हैंड पे जितना भी ओगरे आया है इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। और सिर्फ आप लोग अपने इसको जितने भी हैंड ओगरे पे आया है इसको इरेज करना है, ठीक है। इसको इस टाइप से इरेजिंग कर लेना है, और इरेजिंग करने के बाद से इसको डन कर देना है, ठीक है मेरे भाई। और डन करने के बाद इसका ओपेसिटी है इसको पूरा फुल कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया है, और इतना जनवा इसको डन कर देना है। और फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से ए टू फोटो पे क्लिक कर देना है, और देन एक पीएनजी और लास्ट टाइम इसको ऐड कर लेना है, जो रोज़ का मतलब पत्ता गिरा हुआ है इसको ऐड कर लेना है, और इसका जो ब्लेंडिंग मूड है मेरे भाई ये आप लोगों को चेंज कर देना है, ठीक है। इसका जो ब्लेंडिंग मूड है आप लोगों को इसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद इरेजर ऑप्शन पे चले जाना है, इन्वर्ट कर देना है, और इसको कहीं कहीं पे ऐसे करके लगा देना है ताकि इस टाइप से लगे कि हाँ ये जो यहाँ पे दबाए हैं तो इसका जो पत्ता है वो टूट के इस टाइप से गिर रहा है बिखर रहा है, और इसको डन कर देना है, ठीक है मेरे भाई। और डन हो जाने के बाद से आप लोग को इस फोटो को सेव कर देना है, और सेव हो जाने के बाद से इसको फिर से ओपन कर लेना है अपने फेस ऐप एप्लीकेशन में। और फेस ऐप एप्लीकेशन में मेरे भाई क्या होगा कि इसमें स्माइल जो कि फोटो में ऐड होगा, तो यहाँ से शेयर कर देना अपने फ़ोटो को फेस ऐप एप्लीकेशन में, और अपने फ़ोटो को नेट ऑन कर लेना है फ्रेंड्स। शेयर करने से पहले आप लोगों को नेट ऑन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देर आप लोगों को भी तो यहाँ पे आप लोगों को स्माइल वाला ऑप्शन पे जो यहाँ पे क्लासिक वाला दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना एक ही क्लिक में फोटो में स्माइल ऐड हो चुका है, उसके बाद से अप्लाई कर देना है। और फ्रेंड्स इतना जनवा इस साइड वाला ऑप्शन में इसलिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को सेव वाला ऑप्शन, इस यहाँ से इसको सेव इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई आप लोगों को मैं जैसे एडिटिंग बताया था सेम उसी टाइप से एडिटिंग करके दिखा दिया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप लोगों को मैं थंबनेल पे दिखाया था सेम वैसे एडिटिंग करके दिखा दिया हूँ, यहाँ पे तो थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं जैसे एडिटिंग करता हूँ सेम वैसे एडिटिंग आप लोग भी सीखो, और आप लोग भी मतलब अपने फॉलोअर्स गेन हो गए मतलब फॉलोअर्स बढ़ा सको। तो मेरे भाई आज के जो वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।